रीवा शहर के अमहिया मोहल्ले में बनी दरगाह के अतिक्रमण के मामले को लेकर विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा उठाए जाने के बाद कलेक्टर ने हुजूर एसडीएम को मौके पर मुआयना कर जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि त्योथर विधायक द्वारा एक पोस्ट की गई थी, जिसके संबंध में उनकी बात भी हुई थी। इसके बाद हुजूर एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि मौके पर पहुंचकर मजार की स्थिति का जायजा ले और अगर मजार का निर्माण क्षेत्र अतिक्रमण में आता है तो उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है, इसके संबंध में आगे की कार्यवाही करें। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फोन पे भी चर्चा हुई थी, अमहिया की एक धर्मस्थल को लेकर के है। धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं, तो उसके लिए जो चूंकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है, तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है, मौके पर अतिक्रमण है, यदि है तो कितना है और किस तरीके से उसको रिलोकेट किया जा सकता है। वैसे ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि शहर में अन्य भी ऐसे स्थल जो कि इंटरसेक्शन है और बल्कि जिले में भी या चौराहे हैं जहां पर कोई भी अन्य धर्म स्थल या किसी भी प्रकार के धर्म स्थल हैं, यदि उनको भी थोड़ा बहुत रिलोकेट करने से कहीं ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके प्रयास करेंगे कि इसको सद्भावना के साथ बातचीत करके इन विषयों को सुलझाया जा सके। भूमि का चिन्हांकन और भूमि की स्थिति के संबंध में हम लोग जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, तब और ये क्लियर हो पाएगा कि जमीन किसकी है और कितनी जमीन है जो इस अतिक्रमण की जद में आती है।